नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। बी न्यूज की टीम इन दिनों लगातार विधानसभा क्षेत्रों की कवरेज कर रही है, अलग अलग जगहों पे जा रही है और लोगों से जान रहे हैं कि लोगों की समस्या क्या। आज मैं मौजूद हूं विधानसभा रामपुर कारखाना के अंतर्गत भटनी बाजार में। यहाँ की एक चीज़ बहुत मशहूर है, जहाँ दूर दूर से लोग खाने आए, यहाँ तक कि बिहार राज्य का ये पड़ोसी है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाएंगे तो बिहार लग जाता है और बिहार के भी लोग यहाँ आते हैं। आखिर यहाँ मशहूर क्यों है? क्योंकि यह भटनी चौराहा यहाँ के पेड़ा से मशहूर है, इसे पेड़े गली के नाम से जाना जाता है। और ये भटनी का चौराहा देख सकते हैं कि अब चारों तरफ पेड़ा बना हुआ है। और आखिर इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से बनती है, क्यों यहाँ लोग घींचे चले आते हैं, यहाँ के पेड़ा खाते हैं, आखिर इसमें क्या खास है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं लोग जाते हैं। कई ऐसे दुकान है जहाँ पर दुकानदार अपने पेड़ा जितने भी सामान होते हैं खाने के लगा के रखे रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर ग्राहक नहीं पहुँचते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ इस पेड़ा गली में क्या मशहूर है और क्यों यहाँ लोग दूर दूर से पेड़ा खाने चले आते हैं। आखिर आप दुकान यहाँ कब से लगाते हैं? दुकान तो 84 से लगाते हैं, 1984। किस तरह से यहाँ का पेड़ा फेमस हुआ, क्यों फेमस हुआ? पेड़ा शुद्ध है ना, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, इसलिए फेमस हुआ। किस तरह से, क्या बनाने की प्रक्रिया क्या है? दूध जला के बनाया जाता है। मतलब एक दिन में कितने रुपए का आपने सेलिंग कर देते हैं? कितने दूध खपत हो जाते हैं? 50 किलो। 50 किलो खपत कर देते हैं यहाँ से। और सारी दुकान है, सब यहाँ तो 8 दुकानें हो गई है। पहली दुकान कौन थी जिस वजह से इतनी दुकानें खुली हुई है? पहले तो मेरी ही है, पहले आप ही की दुकान। क्या नाम है आप? केवड़ा के नाम से यहाँ कुछ कहा जाता है? केवड़ा ही गांव का नाम है। केवड़ा, केवड़े पेड़े के नाम से फेमस। हमारा नाम है ओम प्रकाश यादव। यहाँ सुना गया है कि बिहार और अपने राज्यों से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये भटनी रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, सुनने भी वो कर रहे हैं विदेशों में जाता है। जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ और सारे दुकान है। और आइए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर पेड़ा बनाया जा रहा है और पेड़े बनाने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इसी को दूध है, दूध को पूरी खौलाकर और इस शुद्ध पेड़ा को बनाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ लोग पेड़ा खाने के लिए आते हैं। और भी यहाँ पर जो बनाने वाले, इनसे जानेंगे कि आखिर एक दिन में कितना दूध की खपत करते हैं और कितना यहाँ से पेड़ा बेच देते हैं, इसकी मिठाई कैसी है आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो पेड़ा है, एक दिन में आप लोग कितनी खपत करते हैं? इतना का है भाई, 250 लीटर दूध का बनता है। 250 लीटर दूध। और इसकी जो स्वाद है, क्यों बाकी पेड़ा से अलग है? शुद्ध है, बस दूध जलाकर बनता है। दूध जलाकर बनती है। इस समय तो दूध भी बहुत कम मिल रहा है लोगों को घर में। नहीं तो यहाँ देहात क्षेत्र है, यहाँ मिलता है दूध, पर्याप्त मिल जाता है। और ये बताइए, इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा हो, यहाँ लोग आते हैं पेड़ा खाते बैठे हैं और चुनावी चर्चा खूब होती होगी? यहाँ तो साइकिलें का चर्चा है। साइकिल का, यहाँ साइकिलें चलती है। आप फूल नहीं खिल रहा है? बहुत कम है, हाथी जीरो। देखिए यहाँ चुनावी चर्चा भी है और